अभी मैं ना एयरटेल का अपना असेसमेंट देने जा रहा था, ये दोनों क्या कह रहे हैं भाई? सिम बेचेगा एयरटेल के, तू रोड के किनारे छतरी लगा के गजब बेचती है भाई। व्हाइट कॉलर जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं छतरी लगा के भाई रोड पे। भाई रेड कॉलर जॉब है, मैं तो रेड टी शर्ट जॉब है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। की हो गया, आ देख लो भाई, देख लो ये ट्रेनिंग पे जाके बंदे यहाँ पे कॉलेज आ रहे हैं और एक्सपोज कर रहा हूँ इनको, ट्रेनिंग ही लगा दे। तो भाई शुरू करते हैं, आज है अपना डे 15 अपने डेली व्लॉगिंग चैलेंज एंड बिकमिंग अ फ्रंट एंड डेवलपर। भाई अभी मैं लाइब्रेरी में बैठा था और आज आए हैं अपने साथ ऋषभ मल्होत्रा फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट। ये तो अपना भाई क्लासमेट है ही है कुणाल रावत। तो भाई अभी लाइब्रेरी में बैठा था और ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर रहा था, मतलब मेरा लर्नर लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई नहीं किया था कितनी देर से, तो वो अप्लाई कर रहा हूँ आज। एंड आज ना 1 बजे एयरटेल का असेसमेंट टेस्ट है, मतलब कि एप्टीट्यूड टेस्ट, और उसकी तैयारी भी करनी है, तो शुरू करते हैं अभी। देखो लर्निंग लाइसेंस का फॉर्म भर रहा था और फीस वगैरह भर दी, और उसके बाद ना अभी भाई स्लॉट बुक कर रहा था तो स्लॉट ही नहीं फ्री है, दिखाता हूँ आपको। भाई देख रहे हो स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल, और 4 दिन में मेरा लर्निंग लाइसेंस भी ख़त्म, एक्सपायर होने वाला है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, क्योंकि 1300 रुपये का घाटा रखेगा भाई। तो अभी देखो एडमिन ट्राई कर रहा है कुछ कर सकता है, तो है कोई सलूशन भाई, देखते हैं। अरे यार पता नहीं क्या होगा, शक कर रहा है मुझे, मेरे 1300 रुपये बहुत ट्राई किया बट हुआ नहीं, हमारे 970 रुपये आज के गए। एंड बट हाँ अभी ना YouTube पे सर्च किया थोड़ा बहुत, तो उसमें सोल्यूशन मिल रहा है कि एक्सपायरी के बाद हम रीन्यू कराएंगे लर्निंग लाइसेंस, उसके बाद हो सकता है। तो अभी मेरे को 4 दिन वेट करना पड़ेगा ताकि एक्सपायर हो जाए मेरा लर्निंग लाइसेंस, फिर अप्लाई कर सकता हूँ मैं। अभी के लिए तो कुछ नहीं सोल्यूशन है इसका भाई, पर आपको मैं कह देता हूँ कि भाई टाइम से अपना ये सब काम करते करो, मैं तो लेट हो गया हर काम में। चलो अभी थंबनेल बनाना रह गया, थंबनेल बनाते हैं। दोपहर के 1 बज गए हैं एंड अपना ना एयरटेल का असेसमेंट टेस्ट है, मतलब कि प्लेसमेंट ड्राइव थी एयरटेल की, तो इसलिए मैं अभी कॉल हॉस्टल आ चुका हूँ। ये देखो राहुल बैठा है यहाँ पे एंड रिदम, तो क्योंकि मुझे थोड़ा सा एनवायरनमेंट ऐसा चाहिए था टेस्ट दे सकूँ, तो मैं सीधा हॉस्टल ही आ गया हूँ। एंड अभी टेस्ट की तैयारी करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि 2 घंटे के बीच में हम दे सकते हैं, 12 मिनट का टेस्ट है। चलो अरे हेलो भाई, अभी मैं ना एयरटेल का अपना असेसमेंट देने जा रहा था, ये दोनों क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा था भाई? भाई सिम बेचेगा एयरटेल के, तू रोड के किनारे छतरी लगा के गजब बेचती है भाई, देख रहे हो छतरी लगा के बेचेगा मैं भाई व्हाइट कॉलर जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं छतरी लगा के भाई रोड पे। भाई रेड कॉलर जॉब है, मैं तो रेड टी शर्ट जॉब है। खैर छोड़ो इनकी बातें, हम करते हैं अपना असेसमेंट छतरी से तैयार। पेपर देते पहले, मतलब कि टेस्ट देते हैं। ओ भाई कनेक्ट कर दे यार ये ब्लूटूथ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो फाइनली गाइस अपना टेस्ट हो चुका है कंप्लीट, एंड नेक्स्ट देखो काफ़ी तरीके से किया है और अच्छा हो गया है। अब अपनी अपना तो 100% दिया है, बाकी देखो क्या रिज़ल्ट आता है, तो अब असेसमेंट का रिज़ल्ट जब आएगा तभी पता लगेगा। एंड नेक्स्ट अभी कुछ नहीं पता, तो ख़त्म करते हैं। सो ऑलराइट गाइस, दिन भर के सारे काम निपटा के मैं हो चुका हूँ फ्री, एंड अभी बज रहे हैं 10:40, और तो आज मेरे को पूरे 15 दिन हो चुके हैं अपना ये चैलेंज शुरू किए हुए, जो कि था डेली व्लॉगिंग चैलेंज। डेली व्लॉगिंग तो चल रही है बट फ्रंट एंड डेवलपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे छूट रहा है, क्योंकि जो मैंने अपना CSS का कोर्स और HTML का कोर्स का टाइमलाइन सेट किया था वो थोड़ा सा पीछे हो गया, क्योंकि अब मैंने HTML का जो कोर्स था वो टाइमली कंप्लीट कर लिया है, बट CSS का थोड़ा सा लेट हो चुका है, और आज पूरे 1 हफ्ते हो चुके हैं CSS का कोर्स पूरा किए हुए, एंड इवन अभी तक मैंने आधा कोर्स भी कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ मैं अपना। तो आज कोशिश ये है कि आज एटलीस्ट आधे घंटे से ज़्यादा मैं उस वीडियो को कवर कर दूँ, और
बाकी चीज़ें कवर कर लूँ। सो चल रहे हैं, अभी शुरू करता हूँ मैं अपना अपनी पढ़ाई। एंड तो भाई अभी तक मैंने अपना ये कोर्स 3 घंटे तक कवर कर लिया है। एंड अभी नेक्स्ट आज का मेरा टारगेट है कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर पाऊँ कवर इस कोर्स का पार्ट जो रह जाएगा। एंड अभी तो 11 बज रहे हैं तो 12 बजे तक मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, मतलब ये कोर्स अपना कंटिन्यू कर रहा हूँ 11 बजे तक लगातार। एंड जितना हो पाएगा उतना मैं कवर करने की कोशिश करूँगा आज, और ताकि जो मेरी पेस स्लो हो गई है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाए और मैं जल्दी से अपना ये कोर्स कवर कर लूँ। बट इतना भी जल्दी नहीं मुझे करना है कि ताकि काफ़ी चीज़ें मेरी ताकि मुझे कुछ समझ ना आए। करेंगे फास्ट करने की कोशिश करेंगे, बट इतना नहीं करूँगा कि ताकि मुझे कुछ समझ ना आए, क्योंकि मुझे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस देखो, अभी तक मैंने 3 घंटे कवर कर लिए हैं इस वीडियो के और कोर्स का, और जितना भी मैंने सीखा अभी तक वो मुझे लगभग सारा ही कंप्लीट क्लियर है कॉन्सेप्ट्स। और आज का टारगेट मेरा यही है कि मैं जितना हो सकेगा उतना जल्दी से जल्दी इस कोर्स को कवर कर लूँ। और आज अभी बज रहे हैं 11 एंड 12 बजे तक मैं इस कोर्स को, मतलब ये वीडियो को देखूँगा और जितनी चीज़ें सीख पाऊँगा उसको ग्रैब करूँगा और इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करूँगा। तो आज 1 घंटा पहले सबसे पहले इस कोर्स को मैं देने वाला हूँ, एंड देन 1 घंटा मैं अपनी प्रैक्टिस पे दूँगा। तो अभी के लिए अपने इस कोर्स को कंटिन्यू करते हैं एंड चीज़ों को ग्रैब करती है। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि इस कोर्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। एंड जब तक ये कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, मैं इम्प्लीमेंट चीज़ों को कर नहीं सकता। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो अभी टाइम हो चुका है 1:12 एंड आज मैंने अपने लर्निंग का 36 मिनट और मतलब कवर कर लिया है इस कोर्स का। एंड देन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या सीखा है एक शॉर्ट में। तो आज मैंने अभी तक क्या सीखा है, तो आज मैंने सीखा है रिलेटिव यूनिट्स, उसके बाद एब्सोल्यूट यूनिट्स कौन से होते हैं, लाइक EX, VX, व्यू पोर्ट एंड देन सेंटीमीटर्स जो भी था। फिर उसके बाद आ जाता अपना उसकी पोजिशनिंग, मतलब कि पोजिशन प्रॉपर्टी इन CSS। तो उसमें 5 टाइप के थे, जो कि थे स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है एंड मतलब कि सामने से मैंने देखा, अभी तक मैंने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं की है। तो अभी बारी है इन सब चीज़ों की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने की, ताकि मुझे ये ज़्यादा और भी क्लियर हो जाए और ताकि दिमाग में बैठ जाए। तो अभी के लिए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन। तो मैं पूरा 1 घंटा देने वाला हूँ, 1 घंटा नहीं, मतलब कि अभी 1:15 होने वाले हैं, तो मैं पूरे 45 मिनट अपने जो भी प्रैक्टिस वाला पार्ट रह गया तो उसको कवर करता हूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ फ्री कोड कैंप की वेबसाइट पे, जहाँ पे मैं अपना एक प्रोजेक्ट बना रहा था और उसमें ये सब प्रॉपर्टीज यूज़ हो रही हैं जो कि मेरे लिए बेस्ट होगा। और तो मैं इस प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ, ताकि मेरे जो बेसिक्स हैं और आज जो मैंने पढ़ा है वो क्लियर हो जाए। तो ये रिलोड हो रहा पेज, HTML भाई कहाँ है, हाँ तो ये है पेज, कुछ ऐसा दिख रहा है और मैंने यहाँ तक बना लिया है। तो अभी के लिए मैं इसको ही कंटिन्यू करूँगा और इसमें पोजीशनिंग बहुत सारी है, तो पोजीशनिंग वाला पार्ट जो होगा आज मेरा वो क्लियर होने वाला है। एंड ठीक है, बाकी शुरू करते हैं, बाद में बताता हूँ आपको बाकी चीज़ें क्या सीखी, क्या क्लियर हुआ क्या नहीं। तो फाइनली गाइस अपना प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, जो कि एक टाइपो जो भी था टाइपोग्राफी था एक न्यूट्रिशन फैक्ट्स का। तो अभी मैंने बना लिया है एंड काफ़ी हद तक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी हो गई है। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं एंड मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना, और हाँ मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना
कि आगे मैं किस टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी खैर छोड़ो, आप बाद में बात करेंगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।